नमस्कार, अरे रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और मजेदार रेसिपी। और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चलिए आज हम बनाते हैं पोहा से बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट सा नाश्ता। इसको आप चटनी केचप के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया नाश्ता बनाए, सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो नाश्ता ये कैसा बनाए आपको चलिए दिखाते हैं। पहले लेंगे एक कप पोहा, इसको डालेंगे मिक्सी जार में। एक कप सूजी लेंगे, इसको भी डाल देंगे। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड कर लिया, अब इसको निकाल देंगे एक बर्तन में। एक कटोरी दही लेंगे, पानी डालेंगे थोड़ा सा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी और डाल देंगे। अब इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। इसको मैंने 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। देखिए अच्छे से फूल गया है पोहा और सूजी दोनों, लेकिन थोड़ा गाढ़ा हो गया है। पानी से हम और डालेंगे अभी। और जिस प्रकार से इडली का बैटर बनता है ना, उतना ही पतला इसको हमें करना है। अब डालेंगे इसमें नमक, तो इसको मिला देंगे नमक को भी। अब डालेंगे इसमें इनो, तो इनो हम आधा सैसे डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे। मिला देंगे। डब्बा हमने गरम करने पहले से रख दिया था। ऑयल डालेंगे एक चम्मच, ऑयल को पूरे में लगा देंगे। अब हम बैटर को डालेंगे तवे पर। दो से तीन चम्मच इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। धीमी गैस पर सिक रहा है, इस पर हम डाल देंगे प्याज कटी हुई बारीक। टमाटर बारीक कटे हुए। थोड़ा हरा धनिया कटा हुआ। लाल मिर्च लेंगे कुटी हुई। थोड़ा सा नमक ले लेंगे। अब इसको ढक देंगे। इसको एक मिनट के लिए धीमी गैस पे इसी तरह पकने देंगे। अब देखिए ऊपर की तरफ आपको ड्राई दिख रहा होगा, बिल्कुल देखिए चिपक नहीं रहा है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ऊपर की तरफ। अब इसको हम पलट देंगे। चलिए इसको हम काट के सर्व करेंगे। आप चाहे तो बिना काटे सर्व कर सकते हैं, काट के ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, इसलिए मैं काट रही हूँ इसको। चलिए हम लेंगे पहले चटनी केचप। चलिए हम इसको सर्व करेंगे पोहा से बना हुआ टेस्टी सा नाश्ता।
एंजॉय कीजिए पोहा से बना हुआ टेस्टी सा नाश्ता, और कितनी आसान रेसिपी से बनाए।